ये है वन प्लस का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन और सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला है। अभी जस्ट निकला फ्रेश। हमको वन प्लस के साल में एक या दो फोन की आदत है, बट अब हर महीने दो, मजा ही आ जाता है। हमने वन प्लस का एस, नॉर्ड सी, टेन आर, हमने सब करके देखे भाई, बट ये दिस इज द रियल डील ब्रो। वो पहले वन प्लस का एक फ्लैगशिप आता था, अब सभी फ्लैगशिप। ये पिछले साल का फ्लैगशिप वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस का 10 आर भी है, 9 आर टी भी है, बट ये उनके समीप होते हुए ग्रैंड एंट्री मार रहा है। बढ़िया भाई, इसमें चार्जिंग में, परफॉर्मेंस में, सारी चीजों में काफी नई नई चीजें ऐड कर रखी। एक्साइटमेंट है खोलने की इसको। ये एक्चुअली 107 था, जोक मिल नहीं रहे ना भाई, अब ये करना पड़ेगा। बट वन प्लस का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ही रहता है, मतलब हट्टे कट्टे स्मार्टफोन रहते हैं और डब्बा भी हट्टा कट्टा। यहाँ पे वन प्लस का लोगो हुआ है भाई, इसको खुलते हैं तेजी से। ये हमारा स्मार्टफोन भाई, आजकल स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा हल्के हो गए हैं। यहाँ देखो वेलकम भी लिखा है, इसकी स्क्रीन भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक, मतलब भाई ये तो केस लग रहा है, मैं केस कर दूंगा। मजाक कर रहा था, अरे मेरे को पता था यार, ये मैं तो चेक कर रहा था कि तुमको पता ही नहीं। ये वन प्लस का क्रेडिट कार्ड है, इससे वन प्लस की केबल ही खरीदो आप। वो भाई स्टिकर, ये एक्चुअली ये वैक्सिंग के लिए मिलता है, कभी आपका जैसे हाथ हाथ पे बाल ऊपर ज्यादा आ जाए। क्या कर रहा था यार, इसको यहीं पे भाई। ये देखो ये है ना उसकी चीज, इसको फाड़ना रहता भाई। ये लिखा है ना भाई, लिखे जो खत तुझे वो किसी और को मिल गया। ये सिम इजेक्टर बेचारा शॉक में भी है, कभी कभी मुझे खुश भी लगता है, इट इज आर्ट। ये देखो सेफ्टी और क्विक स्टार्ट, हम सेफ है। इसको खोलेंगे, ओहो ये हमारा स्मार्टफोन निकल गया। ओह अलग सा लग रहा है और देखा देखा सा भी लग रहा है, बट इसको एक सेकंड रखते हैं साइड में और चेक कर लेते हैं और क्या क्या। ये तो हट्टा कट्टा चार्ज, ये अगर 100 वाट का नहीं हुआ मैं फोन कभी चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगा। ओ भाई ओ मानस भाई, क्या लग रहा है कितने वाट का चार्जर होगा? 500-600 ऐसा कुछ होगा भाई, मेरे पूरे घर की बिजली चल जाएगी भाई, लगता है 18 वाट की है। ये 160 वाट, मेरे दिल फेल हो गया यार, दिन नहीं सॉरी किडनी फेल भाई, किडनी थोड़ी सी नीचे। 160 वाट बहुत तगड़ा यार भाई, गेमिंग लैपटॉप चार्ज आते हैं इतने में, बट भाई सही है। यहाँ पे और केबल वेबल देख लेते हैं भाई, ये वाली टाइप सी टाइप सी केबल है। मैं वन प्लस की काफी सारी केबल ट्राई करी बट अच्छी खासी मोटी केबल है भाई। देखो स्किपिंग टेस्ट तो करना पड़ता है भाई, मैं अपने हाथ से ऐसे स्किपिंग कर सकता हूँ ऐसे कर। ये है हमारा वन प्लस 10T। ओहो क्या शाइन आ रही है, वाह मजा ही आ गया। कैमरे में अलग ही दे रखा है, यहाँ पे एक बड़ा कैमरा, एक छोटा कैमरा और ये वाला फाइनल कैमरा। इसको देख के अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा, मैं अंधा हूँ। यहाँ पे फ्लैश फ्लैश भी लगा रखा और ये मतलब अच्छा सा लग रहा है। ये मतलब बैक साइड में ना ग्लास था प्यारा सा, दाढ़ी अटक गई। मैंने ना वन प्लस की वेबसाइट पे देखा, इस डिजाइन का नाम है बर्डन लेस डिजाइन। ये काफी प्यारा सा कलर है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एकदम स्मूथ स्मूथ है। कैमरे के बम्प में हल्का सा ऐसे मेरी दाढ़ी फंस गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा ग्लास बैक है और मतलब हाथ में पकड़ने में अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सा लग रहा है। बट दोस्तों साइड मेरे को लगा था वैसे मेटल होगी, बट है एक पूरी प्लास्टिक साइड वाली, चारों तरफ मतलब पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो भी आपको बोलना, बट अच्छा लग रहा है। ये वाला वन प्लस 10 प्रो इसमें मतलब ऐसे यहाँ पे थोड़ा करारा करारा है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर दिया। बट एक चीज आप नोटिस करो, देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हैसलबैड, इसमें बहती हवा सा था वो, मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकता। इस वाले में जैसे पूरा शाइनी शाइनी सा, एक सैंडस्टोन फिनिश में भी आपको देखने को मिलता है भाई। अब नाम मूनस्टोन हो गया, सैंडस्टोन नहीं रहा। अगर आप बिल्ड देखोगे राइट साइड में आपका पावर बटन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन है और ओ अरे कुछ मिस हो गया भाई, भाई यहाँ पे आता था टिटक टिटक। मेरे को भाई बचपन से हिलाने का शौक है, इसको भी लाता रहता था मैं, बट इसमें है ही नहीं यार, मेरे शौक कैसे पूरे होंगे अब। अलर्ट स्लाइडर नहीं है भाई, चलो एडजस्ट कर लेंगे। बट ये फ्लैगशिप है भाई, ये महंगा वाला फोन है, इसमें कैसे हटा दिया, इसमें मतलब फिर थोड़ा सा दर्द हुआ। दोस्तों ये क्या वॉलपेपर लगा रखा है यार, हमको जरूरत है असली एप्लीकेशन की जो इस वॉलपेपर को फिक्स कर पाए। फ्रेश वॉल्स, ओ माय गॉड क्या वॉलपेपर, मजा ही आ गया। हम इसको लगा देंगे, अब लग रहा ना भाई मैचिंग मैचिंग भी होगी ना भाई। इसमें एक 6.7 इंच का 10 बिट 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस AMOLED HDR 10 प्लस गुड पेन। अगर पेपर में कभी इतने नंबर आ जाते ना मेरे, मैं सो नहीं पाता रातों रात। अब हम दुबई देखेंगे, ऐसी सब देख लेंगे, जाएंगे कहीं। यहाँ पे 4K में कर दिया भाई, भाई सही दिख रहा है, क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग। मैं देखो यहाँ पे खिड़की में हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, बट जैसे देख सकते हो भाई डिस्प्ले सही है, इस एंगल से भी इस एंगल से भी ऊपर नीचे मस्त लग रहा है भाई। डिस्प्ले काफी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे, जो आप एक्सपेक्ट करोगे 120 हर्ट्ज, ऑल्दो 144 हर्ट्ज आ जाते हैं। आउटडोर पे हमने यूज करा, ऊपर नीचे भी जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मजा आ रहा है, मतलब सही है। एक दो चीजें मैं नोटिस करी, मतलब हम बाहर शूट वूट करने गए थे तो ऑटो ब्राइटनेस में ब्राइटनेस कभी कभी एकदम ही कम हो जाती है, मतलब आउटडोर जाने पे छोटा सा बग लगा, बट लाइक एक ऐसी चीज है जो फिक्स हो सकती है। अगर आप देखो H2 भाई बेजल भी काफी पतली पतली सी लग रही है, नीचे की साइड पे USB टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे SIM1 है, यहाँ पे SIM2 है, दोनों लगा देंगे भाई। स्पीकर चलाएंगे थोड़ा मजा आएगा भाई। मैंने तो कोई और गाना बजाया था बट ये मधुर तो है आवाज, मेरे दिल को छू गई। नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अच्छी खासी लाउड आवाज। मैं बोलता हूँ क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट इन स्पीकर्स के साथ ये हेडफोन जैक और लग जाता तो मजा आता, बट कोई दिक्कत नहीं भाई।
बैक साइड में अगर आप देखो भाई, एक दो तीन तीन कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी है OIS के साथ, सेकंड अपना वाइड में आ रहा है और थर्ड मैक्रो, बट फ्रंट वाला 16 मेगापिक्सल, पहले सेल्फी खींचेंगे फिर गेम खेलेंगे भाई। इसमें एक खींच के देखते हैं, एक फोटो वाइड में एक अपनी नॉर्मल, तो मैक्रो वाली भी खींच लूंगा भाई। मोर में जाएंगे हम मैक्रो। अरे ये क्या, मेरे 1 trillion सब्सक्राइबर्स होने वाले। अच्छा यार मैक्रो, मेरे को लगा नहीं था 2 मेगापिक्सल का, बट एक्चुअली मैक्रो में सही लग रहा है, फोटो वोटो सही आ रही थी, और हमने प्राइमरी से भी खींच के दी कि भाई इसमें सही आ रहा है, या वाइड में भी जो खींची इसमें हल्की डिटेल कम है, बट भाई जो एक्चुअल कलर्स हैं काफी सिमिलर फील हो रहे हैं, और जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ओवरऑल फील है फोटो की, भाई काफी मजा आ रही है। जो सेल्फी खींची थी भाई, इसमें बाल आहा क्या करारे से दिख रहे हैं यार, मजा ही आ गया। ये हमने पोर्ट्रेट वीडियो बनाई थी, एज डिटेक्शन बहुत तगड़ा तो नहीं, बट लाइक डिसेंट डिसेंट आपको मिल जाता है। इसमें भी जैसे देख सकते हो भाई, कलर्स काफी अच्छे से बैलेंस हो रखे हैं, जैसे पत्ते वत्ते भी हैं, ऊपर की साइड में बादल वादल में भी अच्छा ब्लू कलर आ रहा है, और ओवरऑल सही लग रहा है यार। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई डेफिनेटली एक अच्छा कैमरा बोला जा सकता है, फोटोज में वीडियोस में स्टेबलाइजेशन कलर्स कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें भाई मेरे को अच्छी लगी, मतलब स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सैंपल, तो आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। ये वाला इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल वन प्लस का स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1, उसके साथ बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। वन प्लस ने इसके अंदर एक 3D कूलिंग सिस्टम ऐड कर रखा है, और मैंने जब इसको एक्चुअली यूज भी करा तो भाई कहीं पे भी ओवरहीट या फिर गरम वरम नहीं होता, मस्त है भाई। अगर UI/UX की बात करें तो इसमें अगर जैसे मैं सेटिंग वेटिंग खोल के दिखाता हूं, तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 एंड्रॉइड वर्जन 12, इसके अंदर 3 Android के मेजर अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी प्रॉमिस कर रहा है OnePlus, जो बड़ी बात है भाई। और इसमें आ रहा है OxygenOS 12.1, एस फॉल्ट ऐसे चल रहा था भाई, रेसिंग ना फ्लाइंग गेम हो, प्लेन उड़ा रहा है, एक्चुअली काफी बढ़िया चल रहा था, ग्राफिक्स भी और कहीं पे फ्रेम ड्रॉप से कुछ भी मजा आ रहा था भाई खेलने में। इस वाली स्मार्टफोन के अंदर 4800 mAh बैटरी है, जो मतलब 5000 के काफी पास है, और 160 W भाई ये एक्चुअल फोन से भारी है यार, 160 W का चार्जर भाई, ये 1% से 100% कर देता है, जब तक आप बाथरूम से हल्के हो गया है तब तक ये फुल हो गया, ये तो चाहिए। चलो भाई गेम तो हम एक ही खेलेंगे यार, अपनी प्ले स्टोर पे BGM। दर्द पे दर्द, 1 सेकंड के लिए मैं भूल गया था, बट कोई दिक्कत नहीं, हम Apex Legends खेल लेंगे। ग्राफिक्स में भाई एक्सट्रीम HD भी अवेलेबल है, ओरिजिनल भी अवेलेबल है, ओरिजिनल पे अल्ट्रा नहीं आता भाई, अब आएगा ना असली मजा। हमारे पास बंदूक आ गई है, बंदूक के साथ रेडी हो गया भाई। भाई क्या हो गया बंदे, भाई छुपके क्यों भाई, एलिमिनेट कर दिया यार, कोई ये क्या करा मैंने, मैं खुद ही नहीं समझ में मैंने क्या करा, मैं भाई मार तो सही रहा था भाई। जैसे कि देख सकते हो इसमें भी कोई भी लैग, कोई भी फ्रेम ड्रॉप, क्या मक्खन चल रहे भाई, लग भी नहीं रहे, फुल ग्राफिक्स पे चल रहे, और इस पे चला पाना भाई बड़ी बात है भाई। क्या पिलाई करी यार मैंने भाई, थका दिया, मैं ही तो हूँ असली खिलाड़ी यार। हमने इस वाली गेम को 30 मिनट तक खेल रखा है और बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज फेस नहीं करे, जो भाई अच्छी खासी बड़ी बात है। मैं देखो एकदम सीधा सीधा बताता हूँ, अगर आपको OxygenOS 12.1 पसंद आ रहा है और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है जो OnePlus प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको मजा आ रहा है, तो वाला फोन डेफिनेटली काफी मजेदार लगेगा। एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला एक बैलेंस फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसके अंदर कैमरा डिजाइन बाकी सारी चीजें काफी हद तक प्रीमियम, तो ये वाला स्मार्टफोन आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इस प्राइस पॉइंट पर अगर कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहा हूं तो इसको डेफिनेटली कंसिडर करना, पर एक चीज और कंसिडर, वो है नीचे टेक बनर का सब्सक्राइब बटन। ये हेलो सर, व्हाट इज योर डिफिकल्टी?